whoever is here, for all of you, I'm very thankful to you people कि आप आए और आपने ACA join किया. असल में I'm not ACA, you are ACA, you people are ACA. मैं अगर अक्सर लोग कहते हैं कि आप मुझसे पूछिए मेरा knowledge कितना है, मैं कैसा हूँ. मैं उनको कहता हूँ आप मेरे students से पूछिए कि उनका knowledge कितना है और वो कितना आपको बता सकता है कि उनके पास कितना knowledge है. प्राउडली मैं एक बात करता हूँ और वो ये कि मेरा ईटा का स्टूडेंट कहीं भी बैठा है, बहुत भी नालायक है, जिसको लोग नालायक कहते हैं, तो बहुत भी नालायक है, लेकिन वो कम से कम आपके साथ कंसेप्ट्स के अंदर डिस्कशन कर सकेगा, वो आपके साथ आर्ग्यू कर सकेगा और उस स्टूडेंट को कोई भी आज के बाद गलत केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकेगा, कोई टीचर उनको डज नहीं कर सकेगा. नहीं तो ये सारे गवाह हैं जो इधर बैठे हैं. कोई आपको गलत कंसेप्ट पढ़ाई तो आप डायरेक्ट कहोगे ये ऐसा नहीं वैसा है, क्योंकि इवन लोग एक्सेप्शनल केसेस की भी कोई रीज़न नहीं बताते, डायरेक्ट बताते हैं ये एक एक्सेप्शनल केस है, जो कि हर चीज़ की एक रीज़न होती है. और ये हमारे साथ हुआ है. मेरी पहली स्टूडेंट समिया, जो कि शी वॉज़ माई वेरी फर्स्ट स्टूडेंट के जब मैंने अकेडमी शुरू की, अभी हमने ओपनिंग में नहीं की थी, एंड शी केम, वो आई डायरेक्ट, शी केम फ्रॉम नौशेरा. My first student who got admission was from Nowshera. In like जब मैंने अकेडमी शुरू की, my first student from Nowshera, जब हमने ये जो अभी फ्रेश सेशन शुरू हो रहा था, तो 3 महीने पहले उसने बुकिंग की थी तजम्मुल ने, तो ही वॉज ऑल्सो फ्राम Nowshera. उसके बाद मर्दान से आनी शुरू हो गई, ये ख्वाजा और उनकी सिस्टर. उसके बाद मेरी मुलाकात हो गई फ़रुख के साथ. मतलब ये कि आई थिंक कि कैपी के हर कोने से मेरे पास बच्चे हैं. दिस इज़ माई प्लेजर कि आई थिंक कि दिस इज़ द ओनली अकेडमी इन अहमदाबाद कि आपको कहीं से भी बच्चे मिल सकते हैं. मतलब साथ था वो आया था दीर से, कोहिस्तान से, गिलगित से, बिशाम से, शांगला से, मर्दान से, कोहिस्तान से और दरबंद से. यस, दरबंद से. और इसके अलावा कराची से, लाहौर से और पिशावर से, और मतलब हर जगह से तकरीबन बच्ची आईं. हर शायद मैं भूल गया हूँ कुछ, लेकिन हर जगह से बच्ची आईं. एंड दैट इज़ व्हाट माय सक्सेस इज़, कि वो बच्चे जो इधर आते हैं, वो जब आते हैं तो वो जाने से पहले इधर खुशी के साथ जाते हैं. मतलब वो आई विल से दैट यू शुड डू क्लैपिंग फॉर सन्यास फर्स्ट. सन्यास क्लैपिंग करें आप सब उसके लिए. ही इज़ अ वेरी वेरी लॉयल फ्रेंड. ही इज़ अ वेरी वेरी लॉयल. कम्पीट विद अदर्स, ओके. लाइक कभी कभी होता है ना कि जो स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं. मेरे आप फॉर एग्जांपल एक स्टडी करते हैं, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, और आपके एक और दोस्त है जो एक और चैप्टर पढ़ रहा है. जैसे ही आपने उससे बात की, फ़ोन पर डायरेक्ट बात हुई या डिस्कशन हुई, आप क्या करते हैं, अपना चैप्टर छोड़ के जल्दी से दूसरे टीचर चैप्टर के पास जाते हैं और जल्दी से वही टॉपिक या वही चीज़ पढ़ते हैं जो उन्होंने पढ़ा है. याद रखिए, अल्लाह ने हर बंदे को अलग अलग बनाया है. हर बंदे का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है. याद रखिए, हर बंदे का जो एनवायरनमेंट है, आप अगर अपने साथ कम्पीट करेंगे, यू विल इम्प्रूव. याद रखिए, अगर किसी और के साथ कम्पीट करेंगे, सो यू विल नॉट इम्प्रूव. आप उधर स्टक हो जाएंगे. लेकिन उसने उसका जवाब नहीं दिया. उसने कहा कि आई कैन डू इट. उसको फ्यूचरिस्टिक कहते हैं, फ्यूचरिस्टिक. सो यू शुड ऑल्सो बी फ्यूचरिस्टिक. आप ये ना सोचें कि एक दिन के बारे में, दो दिन के बारे में, एक साल के बारे में, अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचें. आज से 5 साल बाद, अब से 10 साल बाद मैं क्या कर सकूँगा. मैंने जो कल एक वीडियो अपलोड की थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, छोटी सी वीडियो थी, उसमें ये था कि आप जब कोई काम करते हैं तो आप ये सोचें कि जब मैं डिग्री लूँगा, मेरे हाथ में डिग्री होगी और मैं वो बंदा बनूँगा, तो मैं कैसे होऊँगा. वो तो मैंने इसलिए बनाई थी कि अगर आप बोर हो जाते हैं और स्टडी नहीं करना चाहते, तो आप सोचें कि आप एक डॉक्टर हैं, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप ज़िंदगी बचा रहे हैं, लोगों की उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता हैं. यू आर द पर्सन हु कैन सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल. उस वक्त आप सोचें कि मैं कितना इंपॉर्टेंट बंदा इस दुनिया में हूँगा, बजाय इसके कि अगर मैं इधर बैठ जाऊँ, पबजी खेलूँ, बजाय इसके मैं मोबाइल पे गेम्स खेलूँ, मैं फिल्में देखूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट करूँ, मैं वो बंदा हो सकता हूँ कि मैं पूरी दुनिया में लोगों की उम्मीद बन सकता हूँ. तो क्या आप वो बनना चाहेंगे?
तो क्या आप वो बनना चाहेंगे या वो बनना चाहेंगे जिसको कोई पूछने वाला नहीं है? होते हैं ना, जो अगर आप डिस्क्वालीफाई करेंगे तो कहाँ जाएंगे? गाँव जाएंगे, अपने घर जाएंगे। आप खेतों में काम करेंगे तो खेतों के काम के लिए बहुत सारे लोग हैं। इस दुनिया को आइडियाज़ की ज़रूरत है, याद रखिए। इस दुनिया को उन लोगों की ज़रूरत है जो एक नई चीज़ इनको दे दें। तो इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम यूनिक, यू वॉन्ट टू बिकम डिफरेंट, आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत है, लोगों से चेंज करने की ज़रूरत है। और याद रखिए, ये दुनिया बड़ी सॉफ्ट है, यकीन करें। आप थोड़े से हार्ड बन जाएंगे ना, आपसे आपकी तरह कोई नहीं होगा। थोड़े से आपको हार्डनेस की ज़रूरत है अपनी फील्ड में, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। आप देखिए ना, आप अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने इर्द गिर्द आपके इर्द गिर्द जो दोस्त होते हैं तो वो कितने हार्ड हैं, मतलब वो कितनी स्टडी करते हैं। अगर आपने 10 घंटे स्टडी शुरू की, आप यकीन करें आपके पूरी केपीकेएम में आपकी तरह कोई नहीं होगा, अगर आप फोकस के साथ स्टडी करेंगे। ये जो टॉपर्स होते हैं, हमेशा आपने देखा, अब तो चेंज हो गया पैटर्न। पिछले वाला पैटर्न ये था कि 672, 670, 650 ये मार्क्स होते थे। 670 को देखेंगे तो कितने हैं, 160 एमसीक्यूज़ वो करते थे, 170 एमसीक्यूज़ करते थे मैक्सिमम 170। 160 एमसीक्यूज़ करना या 170 एमसीक्यूज़ करना क्या मुश्किल काम है? अगर आप 10 एमसीक्यूज़ इंग्लिश की भी हटाएं, 10 आप हटाएं उसकी भी, क्या नाम है, फिजिक्स की भी हटाएं, और आप पूरी तैयारी करें बायोलॉजी के लिए जिसके 80 एमसीक्यूज़ हैं, केमिस्ट्री के लिए जिसके 60 एमसीक्यूज़ हैं, फिजिक्स जिसकी 30 एमसीक्यूज़, आप उठाएं 10 को आप एक्सक्लूड करें, उसमें भी अगर आपके 10 गलत होते हैं उसके बावजूद भी आप टॉपर्स में होंगे, तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए, मतलब देखिए, इन वो लोग जो टॉप करते हैं आपके लिए हीरोज़ होते हैं ना। ये जो हमारा, ये मेरा स्टूडेंट है शहरयार, ये जो मेरा स्टूडेंट है खैज़र अहमद, ये देखिए, ये लोग, इन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं, 600 तक मार्क्स लिए हैं। 600 का मतलब उन्होंने 160 150 एमसीक्यूज़ किए हैं। 150 एमसीक्यूज़ करना इतना मुश्किल काम है? यहाँ जो आप करते हैं, मतलब केमिस्ट्री, मेरे ख्याल में मेरे जो अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो 50 से ऊपर एमसीक्यूज़ हल करते हैं, 55। वो फ़र्ख मुझे बता रहा था एक दिन, वो एवीएम के टेस्ट में गए थे आप, तो उसने तकरीबन 60 में 59 के 58 ठीक किए थे, और एक दो कहीं गलती से उसके गलत हो गए थे। अब मुझे बताएं, केमिस्ट्री आपकी हो गई तो बायोलॉजी पे आप ज़्यादा फोकस करें। बायोलॉजी के 80 एमसीक्यूज़ हैं, 80, इसे मतलब 80 एंड 60 कितने बन जाएंगे, 140। 10 आप इंग्लिश की करें कितने हो जाएंगे, 150। तो फिज़िक्स में आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत होगी, या अगर फिज़िक्स पे फोकस करें तो आपको बाकी कितनी मेहनत की ज़रूरत होगी? समझ आ रही बात? अगर आप, यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, यू नीड अ रियल स्ट्रेटजी। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेटजी नहीं है, आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है। इसलिए आप स्ट्रेटजी बनाएं कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, रैंडम कोई स्टडी नहीं। याद रखिए, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप दुनिया में, आपका कोई वजूद नहीं है, आपकी वजूद का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप प्लान करें अपनी लाइफ को। कहते हैं एक सही मुसलमान वो होता है जो आने वाले 10 साल के बारे में सोचे। याद रखिए, एक अच्छा मुसलमान वो होता है जो आने वाले कितने साल के बारे में, 10 साल के बारे में सोचे। हम तो 10 दिन के बारे में नहीं सोचते, हम तो 10 मिनट के बारे में नहीं सोचते कि अभी से 10 मिनट बाद में क्या होगा, अभी से 10 दिन बाद में क्या करूँगा, किसी को कोई फिक्र नहीं है। अगर आप सही मुसलमान हैं तो याद रखिए, अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस दफ़ा 2019 में फिज़िक्स के लिए फैज़ आलम साहब हमारे साथ थे। यू नो फैज़ आलम साहब, ही इज़ अ वेरी बिग नेम इन फिज़िक्स। उन्होंने हमारे साथ फिज़िक्स पढ़ाया और मुझे खुशी ये हुई है कि तमाम बच्चे उनसे सेटिस्फाइड थे। और द लेजेंड ऑफ बायोलॉजी, ऊंचा बोले यार, द लेजेंड ऑफ बायोलॉजी सर नियाज। अब नियाज साहब जो हैं वो आपको पता है, उनको तो मेरे ख्याल में कहने की ज़रूरत नहीं, ही इज़ अ ब्रांड ऑफ बायोलॉजी, एम राइट? और ब्रांड ऑफ मैथ, यस। तो हमारे साथ वो थे राशिद साहब फॉर मैथमेटिक्स, एंड ही इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन हज़ारा। पूरे हज़ारा में आपको ऐसे कोई टीचर मिलेगा नहीं। तो दिस वॉज माई मोटो कि आई शुड कीप द बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर्स इन हीयर, एंड मैं उसमें कामयाब हो गया। सो दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेप, ये पहली सीढ़ी थी। इंशाल्लाह यू विल सी, अगर आपके भाई, आपके दोस्त आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, वो सब इंशाल्लाह दे विल गेट द बेस्ट इन फ्यूचर इन हीयर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर। शहनशाह को मैं बुलाना चाहूँगा कि वो रबाब की जो फ़न है उनमें वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो शहनशाह आपके सामने बैठे, आपकी तालियां होनी चाहिए।
मैं इसी के बारे में अपने कुछ कहना का इशार करना चाहता हूँ आप लोगों से। मैंने इसी को इसलिए चुना क्योंकि मैं अली सर की वीडियो देख रहा था यूट्यूब चैनल पर, टाइम माई पॉकेट पर, तो मुझे अली सर का मेथड बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसी को चुना। मैं जब इसी में गया तो मैंने अली सर की क्लासेज ली, उनकी लाइव क्लासेज ली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जब भी अपने केमिस्ट्री के बारे में कोई प्रॉब्लम अली सर से डिस्कस किया तो मुझे उन्होंने काफ़ी मुतमइन किया। एसी का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। फैज़ल सर की मैंने क्लासेज ली और मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। फैज़ल सर ने जो कुछ भी पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया। उन्होंने हमें शुरू शुरू में एक बात की थी कि आप यहाँ से जोली भर कर जाएंगे, और यकीनन हम जोली भर कर गए हैं। फिर इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फैज़ल सर का जो मेथड है और उनकी मेथड में जो रवानी है वो बहुत कम लोगों के मेथड में पाई जाती है। अली सर ने बताया था कि नियाज सर बायो के गुरु हैं, यकीनन वो बायो के गुरु हैं। जब मैंने नियाज सर से बायो पढ़ी तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बायो ट्यूशन भी नियाज सर से ही पढ़ी होती। इंग्लिश में लियाकत हुसैन साहब बहुत ही माहिर हैं, उन्होंने जो इंग्लिश पढ़ी बहुत अच्छी पढ़ाई। जब भी मैं दूसरी अकेडमी को टेस्ट देता था तो यानी दूसरे स्टूडेंट को मैं देता था कि उनको इंग्लिश के एक्सक्यूज में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंग्लिश के एक्सक्यूज में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरी ये दुआ है कि ये अकेडमी आगे भी इसी तरह काम करती रहे और इस अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चुगनी कामयाबी अता फरमाए, और जितने भी स्टाफ है और इसी के स्टूडेंट्स से अल्लाह करे वो कामयाब हो जाएँ और अच्छे अच्छे कॉलेज में चले जाएँ और